नंबर 31 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लास में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकंड डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, फर्स्ट मेमोरेंडम होता है। दोनों साथ में ही प्रिपेयर्ड होते हैं और इनकॉर्पोरेट होने के पहले प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम होता है और आर्टिकल होता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिफरेंसेस पढ़े थे हमने बहुत सारे दोनों के बीच में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जबकि मेमोरेंडम में क्या था, कंपनी के बेसिक कंडीशंस, फंडामेंटल कंडीशंस जिनके बेसिस पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। और आर्टिकल्स में क्या होता है, पूरी कंपनी अंदर से क्या कैसे चलती है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कंपनी अपने डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करती है, कैसे रिमूव करती है, छोटे छोटे सब मेथड्स कंट्री कंपनी के। नहीं, इतना मेन चैप्टर नहीं है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस और बायलॉज दैट रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फीचर्स पे आ जाओ इसके। पहला फीचर, डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच कंटेन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंड फीचर, सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, मेमोरेंडम। आर्टिकल्स रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सेम बात है। दे डिफाइन द मोड इन विच बिजनेस इज कैरिड ऑन, वही मतलब निकल रहा है कि कंपनी बिजनेस कैसे करती है, वो पूरा डिफाइन करता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। पढ़ा था हमने ये चीज कि मेमोरेंडम तो आउटसाइडर के लिए ज़्यादा यूज का होता है और आर्टिकल कंपनी के मेंबर के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक मेमोरेंडम। आर्टिकल भी क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि रजिस्ट्रार के पास एवरी टाइम अवेलेबल होता है, और कोई भी आउटसाइडर रजिस्ट्रार से किसी भी पब्लिक किसी भी कंपनी का आर्टिकल और मेमोरेंडम क्या कर सकता है, ले सकता है उसको रीड आउट करने के लिए। ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, इजीली आर्टिकल्स को क्या किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर लेड डाउन इन द लॉ। जो भी लॉ में प्रोसीजर है ऑल्टर करने का, कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, किस किस की परमिशन चाहिए, उस प्रोसेस के थ्रू हम आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर अ पब्लिक कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। ये भी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए आर्टिकल्स बनाना कंपल्सरी नहीं होता है। If it doesn't register its articles, table A of schedule first apply to it. Underline कर लो इसे। अगर public company articles नहीं बनाती है तो उसको एक table, एक form होता है, उसको form fill up करना पड़ता है और वो table A उस पर apply होती है। अब इसकी डिटेल में जाना हम लोगों के लिए इतना कंपलसरी नहीं है, बस लर्न कर लो कि अगर कंपनी आर्टिकल नहीं बना रही है तो उसको ये वाली टेबल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कंटेंट्स, आर्टिकल के कंटेंट्स की कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे मेमोरेंडम की सीक्वेंस थी, सबसे पहले क्या आता था, नेम क्लॉज, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज और लास्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज। पर आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कंटेंट का कोई फिक्स नहीं है, किसी के कंटेंट ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कंटेंट कम हो सकते हैं। तो आप तो कोई भी 10-12 कंटेंट याद कर लो काफ़ी है। जैसे आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, इक्विटी में, प्रिफरेंस में, सबके नाम होते हैं। कॉल ऑन शेयर्स, कंपनी जब शेयर्स की मनी कॉल करती है तो कितना कितना कॉल करती है। जैसे कुछ कंपनी सारी पेमेंट 2 कॉल में मंगा लेती है, कुछ 3 कॉल करती है, कुछ 4 कॉल करती है, तो वो सब आर्टिकल्स में मेंशन होता है कि आप कितनी कॉल्स करोगे अपने शेयर होल्डर्स को। लीन ऑन शेयर्स,
ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया था एक वर्ड राइट ऑफ लीन, याद है किसी को? मैम रोक लेना। क्या रोक लेना? मैम अगर जैसे मैम सामान भेजते हैं उसने पेमेंट करना मना कर दिया तो सामान रोक लेना। हाँ करेक्ट एग्जाम्पल सही है। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है किसी चीज किसी और की हो चुकी है पर हम उसको उसकी चीज तब तक नहीं देंगे जब तक वो हमारे पैसे नहीं देगा। जैसे ए इज अ शॉपकीपर, बी इज अ बायर, बायर गुड्स खरीद चुका है, पैसे दे चुका है, मतलब गुड्स किसके हो चुके हैं, मतलब पैसे पूरे नहीं दिए हैं, पैसे आधे दिए हैं और पेपर्स किसके नाम पे हो चुके हैं, बायर के नाम पे हो चुके हैं, ठीक है। पर बायर ने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है तो शॉपकीपर उसको डिलीवरी देने से मना कर देगा जब तक उसका पूरा पेमेंट उसे नहीं मिल जाता। इस शॉपकीपर के राइट को क्या कहते हैं? राइट ऑफ लीन, कि हम दूसरे की चीज को अपने पास तब तक रख सकते हैं जब तक हम उसका पूरा पैसा पे ना कर दें, ठीक है। ऐसे ही शेयर्स के ऊपर भी क्या होता है? राइट ऑफ लीन। जैसे कई बार कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स को गिरवी रख देती है, जैसे बैंक से लोन लेना होता है तो कई बार बैंक को क्या सिक्योरिटी दे देती है? शेयर्स। तो उन शेयर्स पे किसका राइट हो जाता है? बैंक का। और वो बैंक तब तक कंपनी को शेयर्स नहीं देंगे जब तक कंपनी उनका लोन नहीं चुकाएगी। तो कितने शेयर्स पे किस किस का राइट है, बैंक का कितना राइट है, वो सब कुछ आर्टिकल्स में मेंशन करना होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी रिडम्पशन कैसे करती है, ट्रांसफर कैसे करती है शेयर्स को, ट्रांसमिशन कैसे करती है शेयर्स का। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है एक बार बताया था मैंने, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिफरेंस। मतलब मैंने क्लास में बताया था पर एक भी बच्चे को याद नहीं है कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है। अभी बताऊंगी तो हो सकता है याद आ जाए। देखो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब होता सेम है कि हम हमारे शेयर्स किसी और को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। पर ट्रांसफर जो होता है वो डेलिब्रेटली किया जाता है जबकि ट्रांसमिशन डेलिब्रेटली नहीं किया जाता, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे जैसे माना कि कोई पर्सन है ए, उसके पास कुछ शेयर्स है, अब वो मर गया तो मरने के बाद उसके शेयर्स का क्या होगा? उसके लीगल हेयर्स को वो शेयर्स क्या हो जाएंगे? ट्रांसमिट। क्या कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे बैंक अकाउंट होता है हमारा, जब बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा है, अब माना वो पर्सन जिसका अकाउंट है वो मर जाए तो उस पैसे का क्या होता है? जब भी हमने बैंक अकाउंट खुलवाया होता है तो हमसे एक नॉमिनी का नाम भरवाया जाता है, उसमें हम जिसका भी नाम भरते हैं वो सारा पैसा उसको मिल जाता है। सिमिलरली शेयर्स में ऐसा होता है, जो भी नॉमिनी होता है उसको ऑटोमेटिक वो शेयर्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट ऑटोमेटिक हो जाते हैं और ट्रांसफर अगर हमारी इच्छा है कि हम किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग प्रोसेस होती है, वो पूरी आर्टिकल्स के अंदर मेंशन होती है। मतलब अगर हम हमारे शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम कंपनी के आर्टिकल्स पढ़ के शेयर्स को इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स पता ही है, कंपनी फॉरफिट का प्रोसेस क्या है फॉरफिट करने का शेयर्स को। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कंपनी अपने कैपिटल को ऑल्टर करना चाहती है, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहती है तो प्रोसेस क्या है उसका। शेयर सर्टिफिकेट, मेंबर की राइट्स, जनरल मीटिंग्स कंपनी कब कब करती है अपनी, डेट क्या क्या है कंपनी की, राइट ऑफ मेंबर्स क्या क्या है जनरल मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम सबके एड्रेस पूरा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की पूरी प्रोसेस, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, रिमूवल कैसे किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर्स कि वो क्या क्या कर सकते हैं कंपनी के अंदर, होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, मैनेजरियल जितने भी कंपनी के मैनेजरियल पर्सनल है उन सब का रेमुनरेशन,
कितना मैक्सिमम कंपनी पे कर सकती है, बोरोइंग पावर्स कि कंपनी कितना बोरो कर सकती है, कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, अकाउंट्स एंड ऑडिट, कंपनी की ऑडिट कौन करता है, कौन है उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिविडेंड रिजर्व कैपिटलाइजेशन, सारे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कब अडॉप्ट की गई कॉमन सील, सब कुछ मेंशन होता है। एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का प्रोसेस कि कंपनी अगर जब वाइंड अप होगी तो किस प्रोसेस के थ्रू वाइंड अप होगी, ये सब कुछ किस में मेंशन होता है, आर्टिकल्स। आई थिंक याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या होता है, उन सब की प्रोसेस किस में दे रखी होती है, आर्टिकल्स के अंदर। एक बार रीड करोगे तो ही आधे से ज़्यादा पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंसेज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, अब आ जाओ पेज नंबर 35 पे। दो छोटे छोटे से डॉक्ट्राइन है, एक डॉक्ट्राइन तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, जिसका मतलब था बियॉन्ड द पावर्स, ठीक है। दो डॉक्ट्राइन आज पढ़ेंगे हम, पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो इस डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो इधर, सपोज एक कंपनी है, इस कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों ही डॉक्यूमेंट कैसे डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट आरओसी के पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। एक पर्सन है ए, वो इस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब उस पर्सन ने ना तो कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा, ना कंपनी का आर्टिकल पढ़ा, डायरेक्टली कंपनी को ऑफर दिया, कंपनी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए को पता लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसके और कंपनी के बीच में हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है ही नहीं। और क्यों नहीं है वैलिड, क्योंकि जिस पर्पस के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पर्पस कंपनी कर ही नहीं सकती है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में वो पर्पस मेंशन ही नहीं है, मतलब कंपनी के पास पावर्स ही नहीं है वो काम करने की जिसके लिए कंपनी ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसको पता चलते ही इसने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, क्योंकि कंपनी ने तो धोखा दिया एक तरह से ए के साथ, ए से एडवांस भी ले लिया कंपनी ने और काम भी कुछ नहीं कर रही है वो, तो ए ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब इस केस का कोर्ट क्या डिसीजन देगी, किसके फेवर में डिसीजन देगी, कंपनी के फेवर में या ए के फेवर में, किसके फेवर में डिसीजन, कंपनी के फेवर में। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा, ए को कोई राइट नहीं दिया जाएगा रिफंड का, रेस्टिट्यूशन का, और गलती एक ही मानी जाएगी, कंपनी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों, अब कंपनी ने जब मेमोरेंडम बना रखा है, आर्टिकल बना रखा है इतनी मेहनत से, किस लिए बनाया है, पब्लिक के लिए, कि आपको अगर हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है आप अच्छी तरह रजिस्ट्रार से दोनों डॉक्यूमेंट को लो, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह एनालिसिस करो, और सेटिस्फाई होने के बाद कंपनी से क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। अब अगर किसी को बहुत जल्दी है कॉन्ट्रैक्ट करने की तो फिर नुकसान भी वही भुगतेगा। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लॉ ये अज्यूम कर लेती है कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़कर ही कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े। और अगर बाद में कुछ ऐसा होता है जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अगेंस्ट होता है तो इसके लिए आउटसाइडर लायबल बना जाता है, ना कि कंपनी। तो
तो ये डॉक्ट्राइन किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, आउटसाइडर की प्रोटेक्शन के लिए या कंपनी की प्रोटेक्शन के लिए? कंपनी की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? कंपनी को। डिसीजन किसके फेवर में गया? कंपनी के फेवर में गया, कंपनी बच गई, क्योंकि लॉ ऐसा बना हुआ है कि आउटसाइडर की ड्यूटी है कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ के ही क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। समझ आ गया? अब एक बार नोट्स में देख लो, देखो फटाफट। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्लियर है? दे आर ओपन एंड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू ऑल इन द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। एवरी टाइम दोनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं रजिस्ट्रार के पास इंस्पेक्शन के लिए। देयरफॉर एवरी पर्सन हु कंटेम्पलेट्स टू डील विद द कंपनी कैन इजीली इंस्पेक्ट एंड रीड दिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? नाउ ही कैन एसर्टेन वेदर और नॉट हिज डील इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। वो इजीली ये चीज एनालाइज कर सकता है कि जो मेरी डील है, जो मेरा ऑफर है, वो कंपनी की पावर्स में है भी या नहीं है। पढ़ सकते हैं वो आराम से। बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कंसर्न वेदर ही रीड देम और नॉट। अब ये तो उस आउटसाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। बट लॉ प्रिज्यूम्स, लेकिन लॉ क्या प्रिज्यूम करेगी? कि वो पढ़ेगा। लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि वो पढ़ के ही कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, साइन करेगा। लॉ प्रिज्यूम दैट ही हैज नोटिस ऑफ कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एंड दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लॉ तो यही मानेगी कि आउटसाइडर ने मेमोरेंडम को पढ़ के ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया होगा और कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। ठीक है? दस दिस डॉक्ट्राइन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। मोर ओवर ही प्रिज्यूम टू हैव नॉट ओनली रीड दिस डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो अंडरस्टूड देयर प्रॉपर मीनिंग। लॉ ये मान के चलेगी कि आपने बहुत अच्छे से दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, और केवल पढ़ा ही नहीं है, अच्छे से उसको समझा है, उसके बाद ही आपने कंपनी को ऑफर किया है और कंपनी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है? नाउ देयरफॉर इफ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी। इसके बावजूद अगर वो पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड है, तो लायबल कौन होगा? खुद आउटसाइडर वो पर्सन लायबल होगा, ना कि कंपनी लायबल होगी। सो ही कांट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट कंपनी। सो कोई राइट नहीं मिलेगा कंपनी के अगेंस्ट। समझ में आया डॉक्ट्राइन? इफेक्ट्स, इफेक्ट क्या होगा इसका? पहला इफेक्ट क्या? देखा जाएगा ना ऑफर किसने दिया था। अगर माना यहाँ पे एक ही जगह कोई कंपनी ही होती दूसरी, और उसने इसको ऑफर दिया होता जो इसकी पावर्स के आउटसाइड है, तो गलती किसकी होती? इसकी गलती है। क्या कंपनी लायबल होती? डायरेक्टर लायबल ना? कंपनी ना, तो कंपनी लायबल होती ना डायरेक्टर, ये लायबल होती। अच्छा, इस केस में कौन लायबल होता? इस केस में जो ऑफर दे रहा है वो लायबल होता। ऑब्वियस है, डायरेक्टर ऑफर दे रहा है, डायरेक्टर लायबल है। ठीक है? क्या केस डायरेक्टर के ऊपर? केस तो किसी के ऊपर भी नहीं होएगा। जो इस कंपनी ने इसको पे कर दिया वो इसको वापस नहीं मिलेगा, और कंपनी का पैसा डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसने कंपनी के फंड में से पे किया है तो वो डायरेक्टर उसको पर्सनल इनकम में से पे करेगा। ठीक है? अब देखो इफेक्ट क्या होगा। पहला इफेक्ट, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज अ नोटिस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वेदर पर्सन हैज रीड देम और नॉट। ये डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग ये माना जाएगा कि कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी से डील कर रहा है, तो वो उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ के ही क्या कर रहा है, डील कर रहा है। दूसरा इफेक्ट, ही हैज अ नोटिस ऑफ द पावर्स ऑफ कंपनी एज वेल एज पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। केवल उसको यही नहीं पता होना चाहिए कि कंपनी के पावर्स क्या है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर क्या है, कंपनी के दूसरे ऑफिसर्स की पावर क्या है, क्योंकि ये सब कुछ आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा हुआ है। सो कॉन्सिक्वेंटली ही कैन इंश्योर, वो अपने आप को पूरी तरह से इंश्योर कर लेना चाहिए कि क्या मुझे इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना भी है या नहीं करना है। एंड थर्ड, पर्सन हैज़ अ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ट
एंड रजिस्टर्ड विद इन द रजिस्ट्रार बाय द कंपनी। इवन क्या होता है, जैसे कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर कई बार चेंजेस हो जाते हैं, ऑल्ट्रेशंस हो जाती है, ठीक है, और वो ऑल्ट्रेशंस की कॉपी भी किसके पास होती है, आरओसी के पास। तो ये जितने भी ऑल्ट्रेशंस हुई है, जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, उन सब की कॉपी भी किसके पास होती है, रजिस्ट्रार के पास। वो सारी कॉपी भी आउटसाइडर इजीली लेकर इंस्पेक्ट कर सकता है। तो हमें किसी भी कंपनी से डील करने से पहले उसके सारे रेजोल्यूशंस की कॉपी भी रजिस्ट्रार से लेकर पढ़ लेनी चाहिए, कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, ताकि कोई भी हमारे साथ फ्रॉड ना कर सके, ठीक है। एंड पर्सन हैज अ नोटिस ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। चार्जेस मतलब जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, डिबेंचर्स, पढ़े हैं डिबेंचर्स, ये भी पढ़ा होगा कि डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं, हाँ होते तो बहुत तरह के, पर मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में क्या डिफरेंस होता है? अनसिक्योर्ड किसी चीज से सिक्योर्ड नहीं होते, मतलब जो सिक्योर्ड वाले डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी के एसेट पे क्या होता है, राइट चार्ज, उस राइट को चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स भी सिक्योर्ड होते हैं, ऐसे ही जितने भी सिक्योर्ड डेटर्स है कंपनी के, उन सब का कंपनी के एसेट पे जितना भी राइट है उस राइट को क्या कहा जाता है, चार्ज। और कंपनी के एसेट्स पे जिसका चार्ज है वो सब कुछ रजिस्ट्रार को बताना कंपलसरी होता है, और वो सारी चीज आउटसाइडर इजीली क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर हमको किसी कंपनी से डील करना है तो हमको पता होना चाहिए कि उसके एसेट्स पे किस किस का चार्ज है, ठीक है। सो पर्सन हैज नोटिस ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। एंड पर्सन हैज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय एक्ट टू बी रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। पूरे डॉक्ट्राइन को अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक कंपनी रजिस्ट्रार को देती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमको उस कंपनी से डील करने से पहले रजिस्ट्रार से लेके अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेने चाहिए, उसके बाद ही कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। ये इस डॉक्ट्राइन का कहने का मतलब है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो लाइबल कंपनी नहीं मानी चाहिए, लाइबल आप माने जाओगे, ठीक है। ये समझ में आया डॉक्ट्राइन? तो दूसरा डॉक्ट्राइन इसका जस्ट उल्टा है। अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरे वाले में कुछ नहीं करना है, इसका रिवर्स करना है, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब देखो इधर, अब रूल तो बहुत बना दिया कंट्री लॉ ने कि हमें हर चीज को क्या करना चाहिए, पढ़ के फिर कंपनी से क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब माना एक पर्सन है ए, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार से लिए, इस कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से बैठ के पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ के फाइनली डिसाइड किया कि मुझे इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है। सब कुछ पढ़ के इसने कंपनी को ऑफर दिया और कंपनी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और दोनों के बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, पर जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है, कंपनी के इंडोर मतलब डोर के अंदर, कंपनी के डोर के अंदर कुछ और ही चल रहा है, मतलब मेमोरेंडम में कुछ और लिखा है, डोर के अंदर कुछ और चल रहा है, गलती किसकी है, कंपनी की है। तो यहाँ पे अगर
कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती है तो ए कंपनी पे क्या कर सकता है? केस। और राइट डिसीजन किसके फेवर में जाएगा? ए के फेवर में जाएगा। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब लॉ ये बोलता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पर लॉ ये नहीं बोलता कि आप कंपनी के डोर के अंदर घुसो और जाके डोर के अंदर जाके देखो कि अंदर क्या चल रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है, हमको ऐसे थोड़ी ना कोई कंपनी में घुसने देगा। तो इंडोर क्या हो रहा है वो हम नहीं जज कर सकते। तो अगर इंडोर में कुछ और ही चल रहा है तो उस चीज के लिए लायबल कौन माना जाएगा? कंपनी। ठीक है, वो पता चल गया तो सब कुछ लग जाएगा फिर तो। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वन इज जस्ट अपोज्ड टू अनदर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, जिसे याद रहेगा दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इन ब्रीफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी। पुराना वाला डॉक्ट्राइन किसको प्रोटेक्ट करता था? कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर। वेयर एज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट कंपनी हु एक्ट्स इन गुड फेथ। बेचारा आउटसाइडर तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो वो क्यों कुछ भी पेनल्टी बियर करेगा? दो पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी आर डीम्ड टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ पावर्स अंडर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। यही तो पढ़ा था हमने पिछले डॉक्ट्राइन में कि एक पर्सन को जो कंपनी से डील करना चाहता है उसको कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की क्या होनी चाहिए? नॉलेज। बट दे आर नॉट डीम्ड टू हैव नोटिस रिगार्डिंग द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड। उनको ऐसा कुछ जानना कंपलसरी नहीं था कि कंपनी के अंदर उन पावर्स को कैसे यूज किया जा रहा है, लीगली यूज किया जा रहा है या इलीगली यूज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। दे आर इवन नॉट बाउंड टू मेक फर्दर इंक्वायरीज। उनको और इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन रेगुलर एंड कैरिड ऑन अकॉर्डिंग विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब ये क्या सोचेगा? ये यही तो सोचेगा कि कंपनी वही कर रही है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है, वही सोचे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दिस अजम्पशन इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और इसी अजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दिस डॉक्ट्राइन ले डाउन दैट पर्सन डीलिंग विद कंपनी बाउंड टू सी दैट डील्स आर इन अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बट दे आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर इन टू द इंटरनल प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। द डॉक्ट्राइन इज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी टू द बिजनेस वर्ल्ड फॉर मोर देन वन रीजन। ये डॉक्ट्राइन बनने से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं बिजनेस पे। क्यों? पहला रीजन इसका ये है कि अगर ये वाला डॉक्ट्राइन नहीं बनता तो क्या होता? आउटसाइडर के साथ इजीली कंपनी क्या कर सकती थी? फ्रॉड कर सकती थी। और आउटसाइडर बेचारा डरता किसी भी कंपनी से डील करने के लिए, कोई करना ही नहीं चाहता। तो कंपनी कंट्री के अंदर जो है वो बिजनेस क्या हो जाता? बहुत कम हो जाता। तो फायदा नुकसान कंपनी का ही होता, कंट्री का भी नुकसान होता। सो पहला रीजन, दो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन बट इंटरनल वर्किंग्स आर नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। देयरफॉर पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कांट नो व्हाट हैज टेकन प्लेस विद इन द डोर्स। डोर तो क्लोज रहते हैं, अब किसी आउटसाइडर को क्या पता डोर के अंदर क्या चल रहा है। दस दिस रूल प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर। इसलिए रूल किसको बचाता है? आउटसाइडर को बचाता है। इट हेल्प इन स्मूथ एंड ईजी वर्किंग ऑफ बिजनेस विदाउट कंपेलिंग पार्टी टू इन्वेस्टिगेट इन टू डे टू डे वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। अगर आउटसाइडर को ये रूल नहीं होता तो आउटसाइडर पहले सब कुछ फर्दर इंक्वायरी करता, इंटरनल रूल्स को भी जाके चेक करता, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट करता। पर ये रूल बनने की वजह से हमको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ के हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर लायबल कौन माना जाएगा? कंपनी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दिस रूल, अगर ये रूल एब्सेंट होता, लॉट ऑफ पर्सन अनविलिंग टू डील विद द कंपनी। बहुत सारे लोग कंपनी से डील ही नहीं करते। एंड ड्यू टू दिस सिंपल रीजन दैट मैनी कंपनी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द गाइज ऑफ नॉन कंपाइलेंसेज ऑफ फॉर्मेलिटीज। क्लियर है? दोनों
क्राइम्स. चैप्टर खत्म.